तो दोस्तों, आप लोग इस तरह का एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो बनाना चाहते हो तो मैं बहुत ही सिंपल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का मैं यूज़ करूंगा सारा कुछ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोग कैपकट एप्लीकेशन का जरूरत होगा, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड करके रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। एंड कैपकट एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोई सा भी VPN को आप लोग एक कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज, कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करते कुछ स्टेप का इंटरफेस है। तो फर्स्ट आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पे टच करना है। टच करने के बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, उसे ऐड करना है। तो देखिए, ये 16 सेकंड का एक वीडियो मिलेगा, इसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद वीडियो पे टच करें, उसके बाद नीचे देखिए वॉल्यूम का बटन है, इस पर क्लिक करें, उसके बाद इसे जीरो कर लीजिए। उसके बाद गाइज, आप लोग लास्ट में देखिए एक एंडिंग वाला पोर्शन है, इसे डिलीट करें। यहाँ पर नीचे देखिए डिलीट का बटन है, इस पर टच करके डिलीट कर लीजिए। अब नीचे देखिए ऐड ऑडियो है, इस पर क्लिक करें, उसके बाद एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद 27 सेकंड का जो एक वीडियो है, इसे टच करें तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऑडियो, ठीक है। तो गाइज, ऑडियो ऐड होते ही यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर ऐड करना है, तो उसके लिए साइड में देखिए एक प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करें। एंड यहाँ पर गाइज, आप लोगों को 6 फोटो ऐड करना है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने 6 फोटो ऐड कर लिया है, तो ऐड होते देखिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हर एक फोटो को आप लोग इस तरह से दोनों फिंगर से जूम कर लीजिए फुल स्क्रीन बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज, आप लोगों को सभी फोटो को फुल स्क्रीन करना है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ फोटो पर क्लिक करें, इस तरह से दोनों फिंगर से जूम करके फुल स्क्रीन कर लीजिए। तो गाइज, इतना तक होने के बाद आप लोग क्या करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर इतना तक हो गया। अब गाइज, आप लोगों को बीट के अकॉर्डिंग कट करना है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन रखना है 0.6 सेकंड। यहाँ पर गाइज देख सकते हो, कोने में 0.6 सेकंड हो गया। ये जो फोटो है सेकंड फोटो, इसको 3 सेकंड ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट फोटो जो है, इसको 0.6 सेकंड फिर से करें। उसके बाद नेक्स्ट फोटो को 3 सेकंड ही रहने दीजिए। एंड फिफ्थ नंबर जो फोटो है, इसे भी 0.6 कर लीजिए। उसके बाद गाइज, आप लोग देख सकते हो बीट के अकॉर्डिंग सारा फोटोज जो है मैच हो चुका है। अब गाइज, आप लोग को यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट फोटो है, इस पर क्लिक करें, एनिमेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर अगर नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइज, थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो गाइज, आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बो पर क्लिक करना है। कॉम्बो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारा एनिमेशन आ जाता है। तो आप लोगों को डेस्कटॉप लेफ्ट करके ढूंढना है, इसे ऐड करना है। उसके बाद एक फोटो को छोड़ के आप लोगों को थर्ड नंबर वाला जो फोटो है, इस पर आप लोगों को डेस्कटॉप राइट को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक फोटो को छोड़कर आप लोगों को इस छोटे फोटो में आप लोगों को क्या करना है, डेस्कटॉप लेफ्ट को फिर से ऐड करना है। तो गाइज, इतना तक होने के बाद आप लोगों को जो सेकंड फोटो है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करिए, यहाँ पर देखिए स्टाइल करके ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद गाइज, ये जो है पार्टिकल डिसअपीयर, इस पर आप लोगों को टच करना है। टच करते ही देखिए 100% तक होगा, एंड ये जो एनिमेशन है या इफेक्ट है, ये इस फोटो में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज, ये एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब ये जो इस फोटो है, फोर्थ नंबर वाला फोटो, इसे भी आप लोग इस तरह से ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये इफेक्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है। अब गाइज, लास्ट का जो फोटो है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद फिर से आप लोगों को पार्टिकल डिसअपीयर पे टच करें। यहाँ पर ये 100% तक होगा, उसके बाद ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसे इंक्रीज कर लीजिएगा। तो इतना तक होने के बाद गाइज, आप लोगों को सेकंड फोटो पे आना। देखिए, सेकंड फोटो यहाँ पर है। इस फोटो पे आप लोगों को क्या करना है, नीचे एक इफेक्ट ऐड करना है। देखिए, आप लोग इफेक्ट पे टच करें, उसके बाद वीडियो इफेक्ट पे टच करें, ठीक है। वीडियो इफेक्ट पे टच करने के बाद गाइज, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर एक रोलिंग फिल्म करके एक इफेक्ट मिलेगा, उससे ऐड करना है। तो ऐड करना बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, थोड़ा सा स्लाइड कर रोलिंग फिल्म जो, इसको आप लोग ऐड करें। ऐड करने के बाद गाइज, आप लोगों को क्या करना है, इसे ये जो सेकंड फोटो है, जितना तक है उतना तक कर लेना है। उसके बाद कॉपी पे क्लिक करें। कॉपी पे क्लिक करने के बाद गाइज, एक फोटो को छोड़ के आप लोग इसे ऐड करना है। उसके बाद फिर से आप लोग टच करें, कॉपी पे क्लिक करें, एक फोटो को छोड़ के लास्ट फोटो में इस तरह से ऐड कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को सही से इसे ऐड करना है, इसे लास्ट तक खींच लीजिए इस तरह से। तो गाइज, देखिए इतना तक हो गया। अब गाइज, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर एक PNG मिलेगा, उसे ऐड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को देखिए क्या करना है, ओवल पे क्लिक करें, ऐड ओवल पे क्लिक करें। उसके बाद गाइज, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कौन सा PNG है। तो गाइज, ये PNG है, इसे आप लोगों को ऐड करें। थोड़ा सा जूम करने के बाद इस तरह से नीचे सेट करें, इसे खींच के वीडियो के लास्ट तक आप लोग कर लीजिए। तो गाइज, अब आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है, आपका जो वीडियो है बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं ऑडियो के बिना प्ले कर रहा हूँ, आप लोग ऑडियो के साथ सुनना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज, देखिए बहुत ही बेहतरीन एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखो तो बहुत ही आसानी से इस वीडियो को बना सकते हो। एंड गाइज, इस वीडियो को बनाने में कोई सा भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो आज का वीडियो देखता, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।